देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। समाज की ओर से आर्य वीरांगना दल का संस्कार निर्माण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर बयाना में चल रहा है, जिसकी मुख्य प्रशिक्षिका द्वारा शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। राष्ट्रीय रक्षा के निर्माण में वीरांगनाओं के सहयोग को जरूरी बताते हुए महिला आर्य समाज की प्रधाना ने आर्य वीरांगना दल के इतिहास के बारे में भी बताया। आर्य समाज के प्रधान ने बालिकाओं को अपने धर्म की जानकारी के साथ साथ आत्मरक्षा के उपायों को सीखने के लिए भी प्रेरित किया। शिविर में बयाना, जयपुर, भरतपुर, छौकरवाड़ा आदि स्थानों की 70 से अधिक बालिकाएं भाग ले रही हैं। 7 दिन चलने वाले इस शिविर में 30 मई को शहर के मुख्य भागों से होते हुए आर्य वीरांगना की लाठी जोड़ो कराटे प्रदर्शन करते हुए शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सत्यमेव न्यूज के लिए बयाना से देवी सिंह प्रजापत की विशेष रिपोर्ट। आर्य समाज बयाना के द्वारा सनातन धर्म रक्षा शोभा यात्रा का आयोजन 30 मई को सायंकाल 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक लक्ष्मी पैलेस मैरिज होम से प्रारंभ होगा। ये शोभा यात्रा लक्ष्मी पैलेस मैरिज होम से प्रारंभ होकर के और बाजार के मुख्य मार्गों से होती हुई और ये पुनः लक्ष्मी पैलेस पर संपन्न होगी, जिसमें हमारे भरतपुर संभाग से और जयपुर से आई हुई प्रशिक्षण लेने वाली 65 से ज़्यादा आर्य वीरांगनाएँ वहाँ पर प्रदर्शन करेंगी, जिसमें कि अनेक प्रकार का लाठी है, जूडो कराटे है, आसन है और इस प्रकार की अनेक झांकियों के साथ में ये भव्य शोभा यात्रा, ऐतिहासिक शोभा यात्रा बयाना में निकाली जाएगी। मैं बयाना के सभी धर्म रक्षक आर्यों से, लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि शोभा यात्रा में आकर के धर्म रक्षा हेतु, जागरूकता हेतु कार्य करें। इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।